यहाँ पे हाफ के जी बिरयानी राइस है, बिरयानी बनाने की तैयारी की है। उसका फर्स्ट स्टेप है हाफ के जी बिरयानी राइस है। इसको मैंने 1 घंटे के लिए पानी में सोख करके छोड़ दिया है। प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया है और इसको फ्राई करना है ऑयल डाल करके। बस हो गया। यहाँ पे ये 1/2 kg बीफ है, इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। रेड चिली पाउडर, कर्ड, इसमें सॉल्ट डलाएगा टेस्ट के हिसाब से। मैं इसमें 1/2 स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। इसमें जीरा गोल मिर्च पाउडर, अब मैं इसको अच्छे से मिला दूंगी ताकि उस गोश्त के हर एक बूटी में अच्छे से मसाला चला जाए। मैं इसे ढक करके 1/2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। अब यहाँ पे ऑनियन थोड़ी देर में ब्राउन होने वाले हैं, तब तक इसको थोड़ा और चलाना है। ये ब्राउन अच्छे से हो जाएंगे, इसको निकाल लेना है। हो चुका है, अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में। इसमें फूड कलर, आलू में कलर आने के लिए स्पाइसेस के लिए रेड चिली पाउडर, टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट, थोड़ा सा क्योरा वाटर। अब इसमें वाटर डालो, ढक्कन लगा दूंगी और इसको गैस पे चढ़ा दूंगी। आलू बनने में 5 मिनट टाइम लेगा। यहाँ पे जब तक इस ऑनियन को ऐसे करके हम लोग मसल लेंगे, ये ऑनियन ये पूरा जाएगा हमारे गोश्त, जिसको अभी मैंने 1 घंटे पहले मसाले डाल के रखा था उसमें जाएंगे। देखो ये गोश्त अच्छे से मेल्ट हो गया। अब इसमें जो ऑनियन मैंने मसला था उसको डाल देना है। जो ऑयल मैंने ऑनियन बराबर किया था उसमें अच्छा ऑनियन का फ्लेवर आ जाता है, इसी उसी ऑयल को गोश्त में डालना है। बस हो गया, आ देना। क्योंकि ऑयल अभी थोड़ा हीट है इसलिए इसको मैं स्पून से मिला रही हूँ। अगर ऑयल नॉर्मल है तो आप हाथ से भी मिला सकते हैं।
देखिए अब इसमें एक से डेढ़ स्पून ये बिरयानी, एक स्पून बिरयानी मसाला, इससे गोश्त में पूरा अच्छा फ्लेवर आएगा बिरयानी का। इसको अच्छे से मिला करके फिर इसको हम लोग 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे ढक्कन डाल करके, ताकि सारा मसाला ऑयल जो भी हम अभी डाले हैं इसका पूरा फ्लेवर अच्छे से गोश्त के अंदर चला जाए। बस हो गया ना, इसको फिर 5 मिनट के लिए छोड़ देना। मैंने ये दो छोटे छोटे ऑनियन को स्लाइस कर लिया, इसको आप ऑयल हीट करके इसमें डालेंगे, ये बिरयानी का चावल भी ऊपर से जाएगा, इसके लिए इस ऑनियन को फिर ब्राउन कर लिया, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन, खुद ही ब्राउन नहीं करना, गोल्डन ब्राउन को उतारना है। यहाँ पे ये ऑनियन जो मैंने ब्राउन करने के लिए रखा था वो ब्राउन हो चुका है, इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। मेरी बिरयानी 1/2 kg चावल के, इसलिए मैंने दो छोटे छोटे ऑनियन लिए थे, आपके ज़्यादा हो तो और ज़्यादा क्वांटिटी में ऑनियन ब्राउन, मेरे कम है इसलिए मैंने कम लिया। यहाँ पे मैंने पानी लिया राइस बॉईल करने के लिए, इसमें नमक डालेंगे, अभी डाले नहीं, डालेंगे इसके अंदर नमक टेस्ट के हिसाब से। तीन छोटे छोटे दालचीनी ये भी जाएंगे, इसमें इलायची भी जाती है बट मेरे पास इलायची नहीं है, आपके पास हो तो इलायची डाल देंगे। इसमें मैं थोड़ा सा इसमें शुगर डाल रही हूँ इसलिए क्योंकि इसमें नमक गया है तो उसको बैलेंस करने के लिए, थोड़ा सा इससे अच्छा टेस्ट आता है, ये नमक को बैलेंस कर देता है। अब ढक्कन डाल के इसको बॉईल होने देंगे। यहाँ पे मेरे आलू अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, ये देखिए अब इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो मुझे हटा देना है, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इसमें से मैंने पूरा पानी निकाल दिया है, अब इस आलू को फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है, अब इसमें एक एक आलू को डाल डाल कर फ्राई करना है। इस आलू को ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, हल्का हल्का फ्राई करना है और इसको निकाल लेना है। जिस बर्तन में आप दम लगाएंगे इसको उस बर्तन में ही निकालें क्योंकि ये आलू सबसे नीचे जाएगा। ये सारे आलू मेरे रेडी हो चुके हैं, अब इसको ढक्कन डाल के हम साइड कर लेंगे। अब यहाँ पे गोश्त बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। ये जो मैंने गोश्त बहुत कुछ देर पहले मसाले में डाल के रखा था उसको मैं कुकर में डाल दूँगी। इसको मैं गैस पे चढ़ा दूंगी।
इसमें जो एक्स्ट्रा मसाले बचे थे तो इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से धो करके इस गोश्त को एक बार अच्छे से चला देना है। अब इस टाइम पे इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर ऐड कर देना है। अब इसमें ढक्कन लगा करके इसको चार सीटी लगने देना है। चार सीटी के बाद हम कुकर को उतार लेंगे, हमारा गोश्त रेडी हो जाएगा। चार सीटी लगने के बाद हम दिखाते हैं। हमारा पानी अच्छे से बॉइल हो चुका है और यहाँ पे हमारा राइस भी जो पानी में डाल के रखी थी आपकी जीरा अच्छे से सूख हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इससे इसका पानी निकाल करके इसी राइस को पानी में डाल देंगे। मैं इस पानी के अंदर डाल दूंगी आराम से, क्योंकि पानी बहुत गर्म है, आराम से डालना। चावलों को अच्छे से एक बार चला देना है। अब इसमें ढक्कन डाल के फिर से इसको एक बार बॉईल हो देना। जब ये एक बार बॉईल हो जाएगा तो गैस का फ्लेम लो कर देना। देखिए यहाँ पे हमारा गोश्त इसको एक बार चेक कर लेते हैं गला है या नहीं। ये गल चुका है, ऐसे पता नहीं चले, ये गल चुका है अच्छे से। अब इसको थोड़ा भून लेना है, भूनने से इसका जो ये पानी है ये कम हो जाएगा। इसको थोड़ा भूनना है। यहाँ पे मेरा गोश्त बिल्कुल भुन चुका है। अब इस गोश्त को अलग हम इस बर्तन में कर लेंगे। ये जो थोड़ा सा ग्रेवी बचा है इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको नीचे दम होने के लिए इसको नीचे का ग्रेवी बनाएंगे। आलू के पापड़ ऊपर तो उलटने का डर है। एक मिनट रुकिए, 80% कुक हो चुका है, 20% पे हम बचा के रखेंगे, दम पे गलाएंगे। ये देखिए हमारा चावल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसको हम दम पर बैठा लेंगे। मैं थोड़ा सा बिरयानी मसाला आलू के ऊपर से छिड़क देंगे ताकि आलू में भी अच्छे से मसाले का फ्लेवर आ जाए। ये जो मैंने पानी तैयार किया है इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाला है, इसको हम इसमें डाल देंगे ये, ताकि इसमें से जो स्टीम बनेगा उस पर हमारा बिरयानी अच्छे से दम हो पाएगा। अब यहाँ पे हम राइस का ले रखते हैं। ये राइस का
इसमें जो मैंने इलायची रखा था उसके टुकड़े को निकाल दिए, तो ऊपर से बिरयानी मसाला छिड़क दिया। बिरयानी मसाला थोड़ा अच्छे से छिड़कना है इसलिए कि चावल में इसी का टेस्ट आएगा अच्छे से। अब इसी लेयर में एक ढक्कन केवड़ा बॉटल डालना है। एक से दो गुण मीठा आता है। फिर जो ऑनियन ब्राउन किए थे उसको थोड़ा डालना। अब यहाँ पे हम गोश्त का लेयर लगाएंगे। ऐसे करके हाफ के जी राइस है इसलिए सिर्फ दो लेयर इसका लगाना। फिर इसे यहाँ पे एक लेयर राइस का डालेंगे। बिरयानी मसाला डालना है। फिर से केवड़ा बॉटल डालना है। अब ये सारा गोश्त जो बचा हुआ है सबको इसी लेयर में अब डाल देना है। जितने बचे हुए राइस है उसको उसके ऊपर डाल देना। फिर से इसके ऊपर बिरयानी मसाला डाल देना। अब इसके ऊपर केवड़ा बॉटल नहीं मीठा कर ये डालने के बाद फिर से केवड़ा बॉटल डाल देना। अब इसके बाद यहाँ पे जितना ऑनियन ब्राउन बचा हुआ था ये सारे को डाल देना। थोड़ा सा फूड कलर रेडी करना है।
इसमें थोड़ा सा पानी। फिर से इसके अंदर थोड़ा सा केवड़ा वाटर, अब इसको ऐसे मिला देना है, मिला इसको राइस के ऊपर से डाल देना। ये देखिए कलरफुल राइस। अब ये जो ऑयल बचा हुआ है, जो ऑनियन ब्राउन करके हमारा ऑयल बचा था, ये सारे ऑयल को इसके ऊपर से डाल देना। कोई भी कॉटन का कपड़ा हो तो उसको ढक्कन के ऊपर लपेट करके और इसको ऐसे दम पे करना है। कोई भी कॉटन का कपड़ा हो आपके पास, मेरे पास ये दस्तरखान था, मैंने इसी को डाला। अब इसको इस पर चढ़ाने के बाद इसको लाइट गैस ऑन कर देना। अब ये 10 से 15 मिनट दम पे जाएगा। अब इस पे वजन के लिए, ताकि थोड़ा भी एयर बाहर नहीं जाए, जो मेरा 20% चावल कुक होना बचा हुआ है वो अच्छे से कुक हो जाए, उसके लिए एक कोई भी पत्थर या भारी सामान कुछ भी आपके पास हो वो डाल दें। 15 मिनट दम हो चुके हैं। अब इसको ढक्कन हटा करके मैं खोल कर देखती हूँ कैसा बना है। अब इसको मैं एक साइड से निकालती हूँ। ओफो, क्या टेस्टी बना है। ये देखिएगा, ये परफेक्ट आलू चावल और गोश्त सब परफेक्ट रेडी हुआ है। देखिए गोश्त, ये देखो गोश्त, देखिए हर एक चीज़ पे मसाले हैं। ये देखिए खिले खिले चावल, परफेक्ट बिरयानी रेडी। आप लोग भी घर में बना के इसे एंजॉय कीजिए इसी रेसिपी के साथ। थैंक यू।